नमस्कार, जय उत्तराखंड। पिछले वीडियो में मैंने जो जारी किया था उसमें बताया था कि उत्तराखंड राज्य की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, क्यों, क्या ऐसी चीज़ थी जिसके लिए समझा गया कि उत्तराखंड राज्य ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जब उत्तराखंड राज्य की आवश्यकता समझते हुए उत्तराखंड क्रांति दल बनाया गया तो एक जो ये प्रयोग किया गया था इसका क्या परिणाम रहा। उत्तराखंड क्रांति दल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक जो लंबा अनुभव जो लोग उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी सरोकारों से के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल बनाया, तो एक लंबा अनुभव था, युवा जोश, उसमें जितने भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग थे विभिन्न क्षेत्रों में, सब उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े, और प्रवासियों का इसमें बड़ा सहयोग रहा और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ लोग बहुत तेज़ी से जुड़ते गए। 80 के चुनाव में जो 80 विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के लिए, रानीखेत से जसवंत सिंह बिष्ट चुने गए। और इसमें मैं यहाँ पर एक जिक्र ज़रूर करूँगा कि उस चुनाव में जो जसवंत सिंह बिष्ट जी का अपना निजी व्यय हुआ, खर्चा हुआ, वो मात्र 4,000 रुपये हुआ, यानी उन्होंने वो चुनाव 4,000 रुपये में जीता। उसके बाद अगला 85 में जो चुनाव हुआ उसमें हमारे डीडीहाट से काशी सिंह एरी जी भी जीते और जसवंत सिंह बिष्ट भी दोबारा चुन के आए। और काशी सिंह एरी जी ने जो चुनाव डीडीहाट से जीता उसमें उनके मात्र 5,000 रुपये खर्च हुए, यानी इतना जोश लोगों में था कि वोट, मतलब हमें केवल नॉमिनेशन और जो फॉर्मेलिटीज होती है उन्हीं में एक पैसा खर्च करना पड़ा, सारा सहयोग पब्लिक का मिला और चुनाव हम जीत के आए। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार चुनाव जीत के आया, वो एक प्रकार का ज़बरदस्त प्रयोग था, एक सफल प्रयोग हम उसे मानेंगे। उसके बाद 23 नवंबर 1987 को बोट क्लब पर विशाल रैली उत्तराखंड क्रांति दल ने की, जो एक मिसाल थी। लोगों को लगा कि काफ़ी लोग उसके लिए आनाकानी कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा इतना बड़ा प्रदर्शन और हो सकता है लोग लाए, परंतु जो मिसाल वहाँ पर उस रैली के माध्यम से आई तो एक नया जोश प्रवासियों में, जो लोग नहीं भी जुड़े थे उनमें एक जोश डालने में, एक नई एनर्जी फूकने में वो हमारी रैली कामयाब रही। 1989 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इंद्रमणि बडोनी जी और काशी सिंह एरी जी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से काशी सिंह एरी जी और पौड़ी सीट से इनमें बडोनी जी बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे। वो संसदीय चुनाव हम दो सीटों पर उत्तराखंड क्रांति दल ने इतनी पकड़ वहाँ की उत्तराखंड की राजनीति में हो गई थी, हम दो संसदीय सीट पर बहुत कम मार्जिन से हारे। और उस चुनाव में जब नॉमिनेशन भरने गए तो बडोनी जी के जेब में मात्र 100 रुपये थे, जो भी था उसमें लोगों का सहयोग मिला, और वही हालत एरी जी की भी थी। तो उस बिना पैसे से चुनाव लड़ने पर भी हम लोगों की उस स्थिति मजबूत स्थिति थी। 89 में उत्तराखंड क्रांति दल ने वन अधिनियम, जो वहाँ पर विभिन्न विकास कार्यों में बाधा डाल रहा था, जंगल की वजह से रोड नहीं आगे बढ़ पा रही थी, तो उसके खिलाफ आंदोलन किया और जो पेड़ बाधा आ रही थी, जो पेड़ की वजह से रोड आगे नहीं बढ़ रही थी, उनको लोगों ने काट दिया। इस दौरान क्या हुआ, विपिन चंद त्रिपाठी जी, इंद्रमणि बडोनी जी, दिवाकर भट्ट जी, काशी एरी सहित उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं और हजारों उत्तराखंड के निवासियों को बंद किया गया, जेल हो गई और उन पर मुकदमा चला। और ये एक झटका उत्तराखंड क्रांति दल का, एक अग्रेसिव आंदोलन था जिसमें उन्होंने कानून तोड़ा और जो ज़रूरी भी था, परंतु उत्तराखंड के जो लोग था, जो हम एक थे, उनको इस आंदोलन से वो पता नहीं, उन्हें दिमाग में कोई डर, एक भय जैसा हो गया कि गिरफ्तारी हो सकती है। तो 91 का जो चुनाव हुआ
उसमें पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम उत्तरांचल राज्य के पक्षधर हैं, हम उत्तरांचल राज्य बनाएंगे, अगर सत्ता में आए तुम हमारे साथ तालमेल करो। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने इस चीज़ को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने की बात कही और जनता के बीच में बात फैलाई। परंतु जैसे ही चुनाव हुआ तो क्योंकि पैसे वाली पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड क्रांति दल के साथ धोखा कर दिया और उत्तराखंड क्रांति दल से लोगों को तोड़ के और अपने टिकट से चुनाव लड़ाया। और उत्तराखंड क्रांति दल ने चुनाव मतलब कमज़ोर पड़ा और भाजपा इससे उभरनी शुरू हुई। फिर राम मंदिर का विवाद आया, हमारे लोग भाजपा से जुड़ने शुरू हो गए। उसके बाद 94 का आंदोलन हुआ और सारे लोग उत्तराखंड क्रांति दल के साथ फिर एक विशाल जन आंदोलन खड़ा हुआ, संघर्ष राजनीतिक आंदोलन हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल ने 96 में राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, चुनाव का बहिष्कार किया और 94 में अपने झंडे डंडे त्यागे, सबको साथ लेने की बात कही। तो ये दो तीन निर्णय जो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ हुआ कि 89 में जो वन अधिनियम तोड़ के तोड़ा, उससे लोग जेल चले गए, उन पर मुकदमे हुए, उससे काफ़ी झटका लगा। फिर भाजपा को जो सहयोग करने की बात कही उत्तराखंड में और मिलकर चुनाव लड़ने की बात की, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देकर उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुँचाया। फिर 96 में राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का जो चुनाव बहिष्कार किया, उसका नुकसान भी उत्तराखंड क्रांति दल को झेलना पड़ा। परंतु उत्तराखंड क्रांति दल का जो उद्देश्य था राज्य बनाना, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल अंततः कामयाब रही और भले वो राजनीतिक ताकत नहीं बन पाई, वो उसका सेकेंडरी वो हो पहल थी, पहला उसका उद्देश्य वो था, वो उत्तराखंड क्रांति दल उसमें कामयाब रही। तो ये उत्तराखंड क्रांति दल का कामयाबी का इतिहास रहा है। राजनीति उत्तराखंड क्रांति दल का सेकेंडरी मैटर था, उसने कभी राजनीति नहीं की, नहीं तो सारे लोग पार्टियां छोड़ के 94 के आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ गए थे। उत्तराखंड क्रांति दल चाहता था सबको अपने साथ जोड़ के एक बड़ी ताकत बन सकता था उत्तरा वहाँ की, पर नहीं, उसने नहीं किया क्योंकि राज जरूरी था उत्तराखंड क्रांति दल के लिए। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल वो सोच है जो अपने मिशन के पर ज़्यादा ईमानदार है, उसके लिए राजनीति या राजनीति महत्वाकांक्षा उसके लिए दूसरा इशू दूसरे नंबर पाते हैं। पहला इशू है जिस लिए हम काम कर रहे हैं वो काम होना चाहिए, उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने पड़े उसके लिए दल हमेशा तैयार है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता है। आप सभी लोग जिस भी इस वीडियो को देखें, इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें। और अब उत्तराखंड क्रांति दल की नित्यांत जरूरत उत्तराखंड में हो गया, उसे उत्तराखंड की ताकत बनाएं और उसको वोट दें, सपोर्ट करें, उससे जुड़ें। जय भारत, जय उत्तराखंड।